दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया बड़ा झटका, कहा उपराज्यपाल ही हैं दिल्ली के बॉस। दिल्ली में मुख्यमंत्री और एलजी के अधिकारों के मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उनकी मर्जी के बिना कोई भी कानून नहीं बना सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 239AA दिल्ली को स्पेशल कोर्ट का दर्जा देता है। हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, एलजी की इजाजत से ही हर फैसला ले दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की कमेटी बनाने संबंधी फैसले अवैध हैं, एलजी की अनुमति के बिना बनाए गए आयोग रद्द किए जाएं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए केंद्र के फैसले लागू होंगे। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एलजी की मंजूरी लेनी होगी। जमीन, पुलिस और नीतिगत फैसले पर एलजी की अनुमति जरूरी है। अफसरों की सर्विस से जुड़े फैसले भी एलजी की सहमति से लिए जाएंगे। एसीबी पर केंद्र के 21 मई 2015 का नोटिफिकेशन मान्य रहेगा। दिल्ली स्टेट यूनियन टेरिटरी माने जाएगा और जब तक आप एलजी से अप्रूवल नहीं लेंगे किसी भी पॉलिसी का, वो वैध नहीं माना जाएगा, उसको इलीगल माना जाएगा। तो जो सारे नोटिफिकेशन थे उनको रद्द कर दिया गया है। ये जो मामला है सिर्फ एलजी की पावर में आता है और जो लैंड सर्कल के रेट और स्टैंप एक्ट की जो डायरेक्शन दी है दिल्ली सरकार ने, उसको अदालत ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की एसीबी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। मनीष झा, इंडिया टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका दिया तो विरोधियों ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को गुमराह करना बंद करें। सच्चाई को झुटला सकते हैं, वो स्लोगनिंग करके दूसरों को अब्यूज करके आप ज्यादा दिन तक लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें आप पार्टी के जो अरमान थे कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर लेकर काम कर सकते हैं उस पे पाबंदी लगेगी। सबसे सही फोरम माननीय सुप्रीम कोर्ट है। हम इस जजमेंट को तो अवश्य सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसमें तकरार का कोई बात ही नहीं है। अपना दायरे के बाहर जा करके किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना वो ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी अभी बाकी है। कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। और बुलंदशहर रेप कांड पर आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव पहली बार बोले, सीबीआई जांच के सरकार के तैयार होने की बात तो कही ही, बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव के तेवर आज तल्ख थे। हर वाक में जहां वो कार्रवाई के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, वहीं बीजेपी को कोसना भी नहीं भूल रहे थे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी बीएसपी राजनीति कर रही है। वो चाहते सीबीआई, मैं सीबीआई से जांच कराने को तैयार हूँ। वो अगर पीड़ित की मदद चाहते मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन कमरे में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या समझा रहे हैं उनको? भाजपा के कमरे में बैठ करके मैं जानना चाहता हूँ पीड़ित लोगों को क्या समझा रहे, तो राजनीति कर रहे हैं क्या? पॉलिटिक्स करने का मौका क्यों दे रहे हैं अखिलेश जी? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त ना हो तो किसी को मौका क्यों मिलेगा? जो पीड़ित परिवार उसकी मदद नहीं करेंगे, तो अखिलेश जी ये अपेक्षा आप मत करिए, हमें आपका इस्तीफा चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता आज आपके शासन के कारण से इतनी डर गई है कि छोटी बच्चियां अपने माता पिता से कहती मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अखिलेश ने जहां बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया, वहीं आजम खान का बचाव भी किया। ये भाजपा के लोगों की भाषा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों की भाषा, अरे सदन में क्या बोला है? अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले सड़कों पर, इसलिए भाषा में नियंत्रण वो भी रखें अपने पर।